फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो आज से नवरात्र के पावन दिन शुरू हो गए हैं और पहले नवरात्र की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि सब कुछ पालो, जो आप पालना चाहते हो वो पालो, तरह तरह के जानवर पालो, लेकिन लाइफ में सिर्फ एक चीज़ नहीं पालनी चाहिए, वो होती है गलतफहमी। तो कुछ गलतफहमियां यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर्स के अंदर हो गई है, सोचा चलो आज उन गलतफहमियों को दूर करते हैं, कुछ चीज़ों से पर्दा उठाते हैं और कुछ सही पिक्चर सामने लेके आते हैं। मेरा हमेशा से यही काम रहता है, रिएक्शन और रिव्यू का मेरा चैनल है। सोशल मीडिया पे मैं जो भी न्यूज़, जो भी चीज़ें, जो भी आर्टिकल, जो भी वीडियो सुनती हूँ, देखती हूँ, उस पर मैं अपना एक नज़रिया शेयर करती हूँ और आप में से बहुत सारे लोगों को मेरा वो नज़रिया पसंद भी आता है, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आता, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना नज़रिया शेयर कर सकते हैं। तो आप सब लोगों के इंतज़ार ख़त्म हो गया और दो चार दिन से आप सब लोग सपना के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे और आज फाइनली सपना का काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो आया है। हालांकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन जितना था उतना उसने कोशिश करी आप लोगों को एक पॉजिटिव साइड ही दिखाने की, जिसे देख के बहुत सारे लोगों ने वीडियो को प्रेज़ भी किया, बहुत सारे लोगों को वीडियो पसंद भी आई। लेकिन कुछ लोगों को आदत हो जाती है कि वो एक इंसान को नॉर्मल और पॉजिटिव नहीं देखना चाहते, उन्हें लगता है जो कल रो रहा था वो आज कैसे मुस्कुरा रहा है और जो आज मुस्कुरा रहा है वो रो क्यों नहीं रहा है। और इसीलिए हंसते हुए इंसान को हंसने नहीं देते और रोते हुए इंसान को रोने नहीं देते, तो फिर इंसान करे तो करे क्या। उसके अलावा जो अंशु को लेके चीज़ें क्लियर तो नहीं करी सपना ने, लेकिन कॉम्प्लिकेट भी नहीं करी, लेकिन कमेंट सेक्शन में लोगों ने कॉम्प्लिकेट कर दी, वो भी मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊंगी। जितनी क्लियरिटी से सपना शायद अपने व्लॉग में नहीं बता पाई, वो सारा मैं आप लोगों को क्लियर बताऊंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सपना ने अपने व्लॉग में आज क्या कॉन्टेंट हमें दिखाया। सपना ने अपने व्लॉग में हमें सिर्फ एक दो लाइन में बोला कि अंशु नासमझ है, अभी उसके अंदर इतनी समझदारी नहीं है। पहले वो मेरे साथ रहती थी तो चीज़ें डिस्कस करके पूछ के हम वीडियोस वगैरह बना लेते थे, अब वो मेरे साथ नहीं है और जो उसने कर दिया वो सपना को पता भी नहीं था। अब लोगों को ऐसा लग रहा है ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया। बहुत ज़्यादा कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ गलत हो गया। उसने गलत नहीं किया, उसने तो सही किया, लेकिन लेने वालों ने, देखने वालों ने वो चीज़ गलत ले ली। अब सबसे पहले तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, गलतफहमी बिल्कुल ना पालें। सपना ने अंशु के उस वाले व्लॉग के लिए कुछ नहीं बोला है जिस व्लॉग में अंशु ने ये बताया कि मुझे रॉड चैनल नहीं चाहिए। सपना ने ये बोला कि मैं ये चैनल दे रही हूँ अंशु को, अंशु ने बोला मुझे वो चैनल नहीं चाहिए। उसी के साथ साथ अंशु ने वो सारी बातें बताई कि मैं वो चैनल क्यों लूँ, वो चैनल मैं डिज़र्व करती ही नहीं हूँ, क्योंकि उस चैनल पर मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी कोई भी मेहनत नहीं है उस चैनल पे, वो चैनल तो भाभी ही डिज़र्व करती है और उनको ही मिलना चाहिए। उसके बाद उसने वो रीज़न बताया कि किस रीज़न की वजह से भाभी ने ये डिसीज़न लिया। रीज़न था कमेंट सेक्शन में आते हुए नेगेटिव कमेंट्स, जो उनको फोर्स कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि ये चैनल अंशु को दो, ये चैनल तो अंशु डिज़र्व करती है, ये अंशु को दो, ये अंशु को दो। वो सारे कमेंट्स सुनने के बाद सपना ने यह डिसीज़न ले लिया कि ये चैनल मैं अंशु को दे दूँगी। तो अंशु ने उन तमाम नेगेटिव कमेंट्स वालों को ही समझाने की कोशिश करी और एक तरीके से अपनी भाभी को ये समझाने की कोशिश करी कि आप इनकी कही सुनी बातों में मत आया करो, इनकी बोली हुई बातों को दिल पे मत लिया करो, कल को ये आपसे कुछ भी मांगेंगे, कुछ भी करेंगे, तो क्या आप इनको वो सब चीज़ें दोगे। और साथ ही साथ उसने अपना भी एक्सपीरियंस बताया कि मैं तो कमेंट्स पढ़ती ही नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी मैटर करता ही नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है। तो उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था जिस वीडियो की वजह से सपना अंशु से नाराज़ हो। उस वीडियो में कमेंट्स आए सपना के लिए नेगेटिव और उन कमेंट्स को बेसिकली लाइक किया गया। एक बार गलती होती है, दो बार होती है, लेकिन 5 से 6 कमेंट्स थे जो लाइक हुए। और जब ये बात सपना को पता चली तो सपना ने वो अंशु से शेयर किया कि अंशु देख, ऐसे व्लॉग में तू कमेंट्स लाइक कर रही है, अब अगर ये चैनल मेरा है और मेरे चैनल के अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है तो उस एक्टिविटी के लिए आप मुझे ही तो बोलोगे सबसे पहले आके कि मैम आपके चैनल पे हमने ये देखा,
या आपके चैनल पे ये हुआ या तेरे चैनल से ये चीज़ गई तो तेरे चैनल से ये चीज़, सबसे पहले आके मुझे ही बोलोगे क्योंकि इस चैनल की ओनरशिप मेरे हाथों में है, ये चैनल मेरे पास है। तो जब अंशु के द्वारा कुछ कमेंट्स लाइक किए गए तो सपना ने सबसे पहले अंशु को ही बोला कि अंशु मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, मैंने ऐसा क्या तेरे साथ कर दिया कि ऐसे कमेंट्स लाइक हो रहे हैं। उसके बाद उन दोनों के बीच में जो भी बातें हुई होंगी, गुस्सा हुए, नाराज़ हुए, वो मानी वो नहीं मानी, वो शक करी, जो भी करा, वो ऑफ कैमरा था। सपना ने आके ऑन कैमरा नहीं बोला कि मेरे नाम के नेगेटिव कमेंट्स लाइक हो रहे हैं, सपना ने ये बात अंशु से ऑफ कैमरा करी थी। लेकिन अब आज के व्लॉग में सपना ने कौन से वीडियो के बारे में बात करी है, वो वाली के बारे में बात नहीं करी, वो वाली के बारे में बात करी जो कि अंशु ने हबड़ा तबड़ी में घबराहट में बनाया, जिसमें उसने ये तो बताया कि मेरे चैनल पे हैकिंग अटैम्प्ट हुए हैं, 3 बार मेरा चैनल डिफरेंट डिफरेंट जगह से लॉगिन हुआ है, जिसमें गुजरात से लॉगिन हुआ है और 3 बार हुआ है मेरा चैनल लॉगिन। लॉगिन का मतलब है कि somebody has your password, किसी के पास तुम्हारा पासवर्ड है और उसके बाद वो लॉगिन कर रहा है। लेकिन उसने ना तो पासवर्ड चेंज किया, ना ही चैनल के साथ कोई छेड़खानी करी, उसने करा तो करा सिर्फ आपके वीडियो में से चुन के सपना के लिए नेगेटिव कमेंट्स को लाइक किया। अब क्योंकि ये बात सारी ऑफ कैमरा थी, अंशु ने यहाँ पे आके बताया कि वो एक्टिविटी मैंने नहीं की। एक होता है कि आपने पब्लिक को ये बता दिया, क्योंकि पब्लिक के भी ये सवाल हो गए थे कि अंशु ऐसे कैसे लाइक कर रही है। लेकिन अंशु ने उस वीडियो में जो चीज़ें ऐड करी वो ये थी, सपना और उसकी पर्सनल और प्राइवेट बातें जो ऑफ कैमरा थी। उसने यहाँ पे आके बोला कि भाभी मेरी बात का यकीन नहीं कर रही है, भाभी मेरे पे विश्वास नहीं कर रही है। मैं भाभी को बोलना चाहूँगी कि भाभी मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं ऐसा क्यों करूँगी। ये चीज़ इस पर्टिकुलर इस बात के लिए सपना का बोलना ये था कि अंशु सोशल मीडिया पे कुछ भी ऐसा बोलने करने से पहले मुझसे एक बार डिस्कस कर लेती थी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि दोनों ने आपस में बिना डिस्कस करे हुए कोई चीज़ पब्लिक कर दी, हर चीज़ के पीछे कि मैं इतना बोलूँगी या मैं इतना बोलूँगी। यहाँ पे अंशु ने ये करा कि जो उनकी ऑफ कैमरा बात थी, भाभी नाराज़ थी या नहीं थी, उसको ये ऑन कैमरा नहीं बतानी थी, क्योंकि ऑलरेडी सपना को कुछ लोग हेट दे रहे थे, कुछ लोग ऑलरेडी उसके पीछे पड़े हुए हैं। इस बात को अंशु ने पहली वीडियो में बताया भी था, है ना। उसके बाद जैसे ही अंशु ने ये बोला कि भाभी मुझ पर शक कर रही है, अब ये बात हमें नहीं पता थी कि अंशु पे सपना शक कर रही है, ये बात अंशु और सपना के बीच की थी कि वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। लेकिन अंशु ने इस चीज़ को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल दिया, जिसकी वजह से सपना को और डबल स्पीड से हेट मिल गई, नादानी में करा। इसीलिए सपना ने एग्जैक्टली वर्ड बोला कि अभी उसको समझ नहीं है, उसने नासमझी में हबड़ा तबड़ी में वो बातें भी बोल दी जो उनके ऑफ कैमरा हो रही थी, जिसकी वजह से सपना को और डबल स्पीड से हेट मिलनी शुरू हो गई। अगर कि अंशु अपने व्लॉग में ये 2 लाइनें नहीं बोलती, सिर्फ इतना आके बताती कि भाभी के लिए नेगेटिव कमेंट्स गाइस मैंने लाइक नहीं करे हैं, आप लोग ऐसी कोई गलत फहमी मत पालना, मेरा चैनल हैक हुआ, इस जगह से लॉगिन हुआ, अगर वो इतना सब कुछ बोलती तो सपना को कोई भी गलत नहीं बोलता। लेकिन हबड़ा तबड़ी में उसने 2-3 लाइनें ऐसा बोल दिया कि भाभी विश्वास नहीं कर रही है, मेरे से बात नहीं कर रही है, ये सब कर रही है। वो चीज़ें बताने के बाद सब लोग सपना के ऊपर चढ़ गए कि तुमने उस पर विश्वास नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, इतनी छोटी बच्ची को तुम्हारी वजह से डिप्रेशन हो जाएगा, उसकी पढ़ाई ये हो जाएगी, वो कितनी घबरा, मतलब वो अच्छा करने जा रही थी। अंशु की इंटेंशन तो अच्छी थी, वो सोच रही थी कि मैं अपनी भाभी को कन्विंस कर दूंगी, लेकिन उसका तरीका गलत हो गया। अगर कि वो ये चीज़ें व्हाट्सएप पे बात करती है, भाभी को 1-2 दिन का समय दे देती, फिर उनको कॉल कर लेती, फिर उनसे बात कर लेती, ऑफ कैमरा कर लेती, लेकिन इतनी समझ उसके अंदर भी नहीं है, वो भी बच्ची है, तो उसने भी जल्दबाजी में घबराहट में 2-3 लाइनें वो ऐड कर दी, जिसकी वजह से सपना को और ज़्यादा हेट मिलने लगे कि बच्ची को कितना ज़्यादा स्ट्रेस में डाल दिया है, कितना ज़्यादा परेशानी में डाल दिया। और उसके बाद अनफॉलो फॉलो ये सब कुछ हुआ उस वीडियो के आने के बाद, क्योंकि उस वीडियो के डालने के बाद सपना को जहाँ पे 20% हेट मिल रही थी, वहाँ पे उसकी हेट की संख्या 50% हो गई, जिसमें कि अंशु की अगेन कोई गलती नहीं है, उसका दिमाग उतना चला ही नहीं, वो बच्चा है, उसका दिमाग जितना चला उसने घबराहट में उतना ही बोल दिया, लेकिन उसकी वजह से 50% 60% हेट सपना को मिलनी शुरू हो गई।
सो इसके चलते उसे ये लगा कि अगर मेरी वजह से एक बच्ची परेशान हो रही, क्योंकि ऑडियंस यही बोल रही थी तुम्हारी वजह से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही, तुम्हारी वजह से वो डिप्रेशन में चली जाएगी, तुम्हारी वजह से वो ऐसा कर लेगी, तुमने उसे कभी अपनी बच्ची नहीं माना, बहुत सारे कमेंट्स आप जाके खुद भी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या बोला। किसी का भी दिल दुखेगा, किसी को भी बुरा लगेगा, किसी को भी। तो उसके बाद जाके उसने उसको अनफॉलो कर दिया, और अभी भी आज की वीडियो में उसने सेम यही बात बोली कि ना समझी में उसने वो वीडियो बना दी, उसने मेरे से डिस्कस नहीं किया, जबकि ये बताया सपना ने कि हमारी बात हुई, हमारी बात होने के बाद मैं खाना वाना बनाने लग गई और मुझे पता भी नहीं चला कि इतनी सी देर में अंशु ने वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल भी दी। जबकि हम कोई भी, इनफैक्ट अगर हम भी नए नए जब आए थे या आज भी आपस में डिस्कस करते हैं कि हम ये चीज़ बोलने वाले हैं, आज मैं इस चीज़ पे बनाने वाली हूँ, जिसको भी हम अपना अपने से ऊपर मानते हैं, जिसकी भी हम सलाह लेते हैं, हम उससे एक बार ज़रूर पूछते हैं। और यहाँ पे आप एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने वाले थे, उसकी शिकायत यही थी कि मेरे से एक बार पूछा भी नहीं, मुझे बताया भी नहीं, मुझे बोला भी नहीं कि भाभी मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। और मैं बाद में देखती हूँ कि वीडियो बन गई, वीडियो बनने के बाद सारी गालियाँ सपना को मिल रही हैं, तो सपना को गाली के ऊपर डबल गालियाँ मिली, आप समझ रहे हो। इसीलिए उसको बुरा लगा, इसीलिए उसे बुरा लगा कि तुम इतना बड़ा बात सोशल मीडिया पे बताने के लिए चले गए, एक बार मुझसे डिस्कस भी नहीं किया, पूछा भी नहीं। कभी भी सोशल मीडिया पे झगड़े सॉल्व नहीं होते हैं, इनफैक्ट यहाँ पे आके चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। मुझे नहीं पता किस नासमझी में या किस प्रेशर में आके अंशु ने तुरंत के तुरंत वीडियो बना ली, क्योंकि अगर ये वीडियो नहीं आती तो ना तो ये एक दूसरे को अनफॉलो करते, ना ही बात इतनी ज़्यादा बढ़ती। वो थोड़ी देर के लिए नाराज़ होती, दो चार घंटे के बाद वो नॉर्मल हो जाते दोनों के दोनों, वो अपनी सिचुएशन उसे बता देती, वो अपनी सिचुएशन बता देती। आज के टाइटल में भी सपना का सेम टाइटल था कि क्या वाकई में अंशु का चैनल हैक हुआ है, क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हो क्वेश्चन मार्क का मतलब, क्या सच में चैनल हैक हुआ है? बहुत अच्छे से ये लोग सब समझते होंगे कि क्या सच में चैनल हैक हुआ था। तो यहाँ पे दूसरी वीडियो से प्रॉब्लम नहीं थी, उस वीडियो से प्रॉब्लम थी, क्योंकि उस वीडियो में अंशु ने जाने अनजाने वो बातें बोल दी जो दोनों के बीच में थी। ऐसे तो हम एक दूसरे से बहुत नाराज़ होते हैं, कई बार हम अपने फ्रेंड से किसी से नाराज़ होते हैं, लेकिन वो हमारे बीच में रहता है, हम ये थोड़ी कि हर छोटी छोटी बातें सोशल मीडिया पर ले आएंगे। और अंशु और सपना का जो रिलेशनशिप है वो बहुत अलग लेवल का है, वहाँ पर बस उसको ये हरकत लगी कि अंशु को ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। ये स्टेटमेंट देने से पहले उसने मुझे बताया भी नहीं, मुझसे पूछा भी नहीं। अचानक कोई बच्चा जो इतने सालों तक हमारे साथ रहा हो, जिसने हर चीज़ का गाइडेंस हमसे लिया हो, और तुरंत वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने लग जाए, तो माँ को थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, फील होता है कि तुम एक इतना बड़ा स्टेटमेंट देने जा रहे हो और तुमने मुझसे डिस्कस भी नहीं किया। तो यहाँ पे ना तो अंशु की चीज़ें गलत थी, लेकिन ना ही यहाँ पे आप सपना के इमोशंस या सेंटीमेंट्स गलत बोल सकते हो, क्योंकि उसको यही लगा कि मेरे से ऊपर जाके, छोटी ही है उसकी नज़रों में वो चैनल सपना ने ही सौंपा है अंशु को, है ना, गाइड भी वही करती होगी, कुछ वो उसको गाइड करती होगी, कुछ वो उसको गाइड करती होगी। बड़ा हमेशा बड़ा रहता है, चाहे छोटा हमसे कितना भी ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन बड़ा अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस की वजह से हमसे बड़ा बनता है। कुछ तो हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा साल उसने देखे होंगे, तो वो उसे बुरा लगा वहाँ पर। अब यहाँ पे ये टॉपिक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करते हैं कि सपना ने श्राद्ध करा, सपना ने बेसिकली श्राद्ध करा सूरज जी का, जिसमें उन्होंने अपने घर के बाकी पितरों को भी ऐड किया। अब उसका श्राद्ध करना भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। बोलना ये है कि अब श्राद्ध करके क्या फ़ायदा, जिस पति की तुमने सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा जग हंसाई करा दी हो, जिस पति की तुमने सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा बेइज्जती और बदनामी करा दी हो। अब आप लोगों को एक बात मैं और बोलती हूँ, गहराई से सुनना, आराम से सुनना और गहराई से सोचने समझने की कोशिश करना। सपना ने जो ऑडियो दिखाया, उस ऑडियो में आप लोगों ने सब सुना, मारपीट हो रही है, रोना धोना, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो रहा है, सपना भी बोल रही है वहाँ से, सूरज जी भी बोल रहे हैं। ये सारे इंसिडेंट होने के बाद भी क्या सपना ने वो घर छोड़ दिया था? क्या सपना ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया था? नहीं तोड़ा था ना। वो मार पिटाई सब कुछ खाने के बाद भी सपना ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी आगे मूव ऑन करी, आगे चलाई। जब उनके पति ये दुनिया छोड़ के गए, उस समय पे सपना का दुख बराबर था,
हम अगर हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। कुछ पल के लिए वो गुस्सा इतना हावी होता है कि उस गुस्से में हम अच्छी बातें नहीं बोलते हैं, गलत ही बात बोलते हैं। जिस सिचुएशन में आके सपना ने वो ऑडियो दिखाया सोशल मीडिया पे, उस समय उसका जो इमोशंस थे वो बहुत पीक पे थे। उस समय पे उसकी लाइफ के साथ ऐसी चीज़ें हो रही थी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, जिस चीज़ की उसने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी। उस समय पे उसने वो ऑडियो डाली क्योंकि उस समय पे वो उसका एंगर बहुत पीक पे था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो हमेशा ही उसी गुस्से को लेके ज़िंदगी भर रहेगी। कुछ कल्चर, कुछ रिचुअल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अगर बुरा टाइम बिताया होगा तो कुछ अच्छा समय भी तो साथ में बिताया होगा। और अगर वो बेइज्जती ही कराना चाहती तो शायद ये बेइज्जती वो बहुत पहले कर देती। अगर बेइज्जती ही कराना चाहती तो जिस दिन पहली बार हाथ उठाया था उसी दिन शायद वो रिश्ता वो तोड़ देती। लेकिन लड़ाई झगड़े हस्बैंड वाइफ के बीच में होते हैं और हर कोई अपनी शादी को चलाने की पूरी कोशिश करता है जब तक कि वो अपनी शादी को चला पाए। लेकिन उस समय पर उसकी सिचुएशन ये थी कि उसके हाथ से सब कुछ छिन रहा था। उसके हाथ से अंशु छिन गई थी, उसके हाथ से वो घर छूट रहा था, रिश्ते छूट रहे थे। उस समय पे उसे बस ये दिखाना था कि जिनको आप लोगों ने इतना सर आँखों पर रखा हुआ है, जिनकी इज्जत मैंने इतनी बना के रखी है, उनका एक रूप ये भी है, उनका एक चेहरा ये भी है। मेरी ज़िंदगी आप लोगों को जितनी बेस्ट लगती है, मेरी लाइफ इतनी बेस्ट है नहीं। मेरे इन लॉज आपको जो इतने बेस्ट लगते हैं, मेरा ससुराल इतना बेस्ट लगता है, मेरे ससुराल का ये एक दूसरा साइड भी है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। उस इंटेंशन से उसने वो चीज़ें बताई। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई हमारी ज़िंदगी से जाए तो उसके जाने का हमें दुख नहीं होता। एक जानवर भी जब हमारी लाइफ में आता है ना, वो उस पूरे टन्योर में बहुत शैतानियाँ भी करता है। कभी कभी हम इतने फेडअप हो जाते हैं, हमारी चीज़ों का नुकसान भी कर देता है। उस समय हमें लगता है यार इसे छोड़ के बाहर आ जाओ। लेकिन छोड़ के बाहर आ जाओ बोलना और सच में छोड़ देना, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक माँ को अपने बच्चे पे भी कभी कभी गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि उसे बोलती है ना, तुझे तो मैं बोर्डिंग में डाल दूँगी। बोलना और डालना, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कई बार पति पत्नी के झगड़े होते हैं, हम बोलते हैं आपके साथ तो एक मिनट भी सुकून से मैं रह नहीं सकती, मुझे तो ये रिश्ता यहीं ख़त्म करना है, अभी के अभी डाइवोर्स लेके अलग हो जाओ। बोलना और इम्प्लीमेंट करना बहुत फ़र्क होता है। दो दिन के बाद गुस्सा शांत हो जाता है, वापस से लाइफ शुरू हो जाती है। तो गुस्से में बोली हुई चीज़ का मतलब ये नहीं होता कि हम ताउम्र उन चीज़ों को अपने साथ लेके बैठे रहें। उसका वो गुस्सा था, उसने वो निकाल दिया। उसके बाद जो रीति रिवाज होते हैं हमारे हिंदू धर्म के, वो उसे करने पड़ेंगे क्योंकि उसकी बच्ची के पिता हैं वो। वो चाहे कितनी नाराज़ हो लेकिन उस बच्ची के पिता हैं वो, उन बच्चियों का हक बनता है। और उसने अपने उसी धर्म कर्म का पालन किया। जब जिंदा थे वो भी तो मारते थे अपनी बीवी को, उन्होंने भी तो अपनी बीवी की जगहसाई कराई होगी। सोशल मीडिया पे आज पता चला होगा, फैमिली में तो ये बहुत पहले से ही जगहसाई हो रखी होगी, परिवार के तो सब लोग ये सब चीज़ें जानते होंगे, किस तरीके का परिवार है, कैसा माहौल है, अड़ोसी पड़ोसी कुछ तो कोई ना कोई तो जानता होगा। तो इतना ज़्यादा किसी को जज नहीं करना चाहिए। आज उसने एक ज़बरदस्ती की हंसी दिखाई, उस ज़बरदस्ती की हंसी को लोग कहते हैं विलन वाली हंसी। इंसान ज़बरदस्त हंस रहा है तो वो विलन ही लगता है। अगर मुझे किसी चीज़ पे हंसी नहीं आ रही है और मैं आपके आगे हंस रही हूँ तो मैं आपको विलन ही लगूँगी कि बेमतलब का हंस रही है। वो हंसने की कोशिश कर रही थी, आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं नॉर्मल हूँ, अपने बच्चों की ज़िंदगी में फोकस हूँ, अब मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ज़बरदस्ती का जब कोई हंसता है ना तो वो विलन ही लगता है क्योंकि वो वाकई में ज़बरदस्ती हंस रहा होता है। तो वो हंसने की कोशिश कर रही थी ताकि आप लोगों तक एक पॉजिटिव व्लॉग जा पाए। उसने वो चीज़ें दिखाई तो शायद तमाम हिंदू फॉलो करते हैं। जो जब तक ज़िंदा रहता है इंसान तब तक उसके साथ लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद उसको पूजते भी हैं और हर साल श्राद्ध पूजते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये बातें क्लियर हो गई होंगी, कुछ अच्छा समझने की आप लोगों ने कोशिश करी होगी। नवरात्र के इतने पावन दिन चल रहे हैं, इतने अच्छे दिन चल रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इन अच्छे दिन में आप लोग अपने आप को भी मौका दो और सामने वाले को भी मौका दो। सामने वाले को मौका दो कुछ अच्छा करने का और अपने आप को मौका दो कुछ अच्छा ढूँढने का और अच्छा देखने का। क्योंकि गलत चीज़ तो हम देख ही लेते हैं,
लेकिन अगर हम अच्छी चीज़ें ढूंढनी शुरू करें ना, तो एक इंसान के अंदर अगर 10 गलत चीज़ें हैं ना, तो 90 तो अच्छी चीज़ें भी होंगी। तो क्यों ना इस नवरात्रों के 9 दिनों में हम अच्छी अच्छी चीज़ें देख के ही वीडियोस पे फोकस करते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें देख के ही हम लोग बात करते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।